नमस्कार, मैं सिद्धार्थ शर्मा सुरागी लाल शहर से। इस समय मैं मौजूद हूँ राजे हरि महाविद्यालय में, जहाँ पर छात्र संघ चुनाव को लेकर आचार संहिता लग चुकी है। इस समय हमारे साथ मौजूद है महिपाल सिंह जी, जो छात्र संघ चुनाव के प्रभारी भी हैं। सर, सुरागी लाल शहर में पहले आपका स्वागत है। आचार संहिता आज से लागू कर दी गई, सर क्या दिशा निर्देश? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज हमने आचार संहिता लागू कर दी है, और हमने आचार संहिता लागू करने से ठीक पहले एक संभावित प्रत्याशियों के साथ एक मीटिंग भी आयोजित की है, जिसमें हमने पुलिस प्रशासन और प्रशासन के अधिकारियों को बुलाया भी था। हमारी पूरी चुनाव समिति और जो शिकायत निवारण प्रकोष्ठ है वो भी यहाँ पर उपस्थित थी। हम लोगों ने संभावित प्रत्याशियों को, जो उनके समर्थक हैं, प्रस्तावक हैं, अनुमोदक हैं, उनको विस्तार पूर्वक कुमाऊं विश्वविद्यालय के छात्र संघ संविधान और लिंगदो कमेटी की जो सिफारिशें हैं उनके बारे में विस्तार पूर्वक बता दिया गया है। और ये भी बता दिया गया कि किसी भी प्रकार से हम लोग आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करेंगे, और यदि उल्लंघन करते पाए जाते हैं तो उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी सर, हुड़दंग मचाने वाले जो वो देखने को मिलता है, तो उस पर किस प्रकार की कार्रवाई? देखिए, हुड़दंग मचाना भी ये आचार संहिता का उल्लंघन है। चुनाव हमको शांतिपूर्वक और एक भाईचारे की भावना से करना है। जैसे हमने बार बार बच्चों से कह रहे हैं कि एक त्यौहार की तरह, एक उत्सव की तरह हमको ये चुनाव लड़ना है, और शांतिपूर्वक और सफलतापूर्वक इस चुनाव का संपादन करना है। चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे, कैंडिडेट हारते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन कुल मिलाकर हम महाविद्यालय के हित को हमको देखना है, और सब हम मिलजुल कर चुनाव को संपादित करेंगे। सर, विद्यालय प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है? जी बिल्कुल, इसके लिए महाविद्यालय प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। हमारी पूरी चुनाव समिति बन चुकी है, और शिकायत निवारण प्रकोष्ठ की व्यवस्था भी है, जो इसे जो कार्यवाही विद्यार्थी कर रहे हैं चुनाव प्रक्रिया को लेकर, क्या खर्च है, किस तरह से आचार संहिता का ये लोग उल्लंघन कर रहे हैं या पालन कर रहे हैं, उस पर भी कड़ी निगरानी हमारी शिकायत निर्माण प्रकोष्ठ कर रही है, हमारी चुनाव समिति कर रही है। और बिल्कुल, जिस तरीके से छात्र संघ चुनाव की अगर बात करें तो आचार संहिता इस समय लागू हो चुकी है, और यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। सिद्धार्थ शर्मा, सुरागी लाल चैनल, काशीपुर।